स्टूडेंट, आज ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी ड्राइंग हो, या आप फिगर ड्राइंग करें, एनिमल्स ड्राइंग करें, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट ड्राइंग हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपको समय देता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने का। क्योंकि ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करेंगे वो स्टिल होता है, और स्टिल ऑब्जेक्ट को देख के बनाने में हमें काफ़ी सहूलियत होती है। तो आज हम इस एक पिक्चर रेफरेंस को देखेंगे और इसको देख के हम ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। और जैसा पहले भी मैंने बताया है कि ड्राइंग में लाइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो लाइंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप कर्व लाइंस, इस तरीके के बहुत सारे लाइंस का उपयोग करके आप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। लाइंस ही है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का रूप दे सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है उसके बेसिक शेप्स होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग हम क्लियरली कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप देखते हैं उसमें ये चार पांच जो शेप्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपने उस ऑब्जेक्ट में उन शेप्स को पहचान लिया तो आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना। तो इस ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं एक सर्कुलर शेप दिख रहा है। तो सर्कुलर शेप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप पेंसिल कभी भी होल्ड करें तो आप यहाँ से ना करें, क्योंकि हम अभी शुरुआत में इसको डिटेल करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे डिटेल हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको पेंसिल को थोड़ा हम पीछे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ से। देखें, यहाँ से होल्ड करें, और जब भी ड्राइंग शुरू करेंगे तो बिल्कुल जब पीछे आप पकड़ेंगे तो ये आपका जो लाइन होगा काफ़ी स्मूथ जाएगा और बिल्कुल लाइट ड्रॉ होगा। इसको हम लोग देख रहे हैं कि एक सर्कुलर फॉर्म में है। सबसे पहले इसको हम लोग सर्कुलर ड्रॉ करते हैं। तो जो मेन बेसिक इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फॉर्म हमारा दिख रहा है। इस एरिया में आप देखेंगे इमेज में कि यहाँ पे भी एक सर्कुलर फॉर्म है, जहाँ से ये कटा हुआ है एक सर्कुलर सर्कुलर टाइप दिख रहा है। इसको आप देख लें तो देख ये ड्राइंग हुआ यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहाँ कैसा कर्व है इस, ये और झुका हुआ है, यहाँ पे झुका हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ा झुका हुआ है। तो उसको देखेंगे, आप अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव भी करना है, वो तो देखने आना चाहिए कोई भी ऑब्जेक्ट को कि किस तरीके का है वो, कैसा घुमा हुआ। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा ये, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें करें, जितनी बार करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें आते जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाहरी जो टिप्स हैं उसको फॉलो करने के, कैसे उसमें क्या किस तरीके का लाइंस कहाँ से कैसे मुड़ा हुआ है और कि कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो यहाँ पे आप आ रहे हैं, फिर यहाँ से एक लाइंस आएगा, फिर निकल के आ रहा है, लाइंस को लेंगे और यहाँ पे
ये चीजें ऐसी आ रही है ना। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ड्राइंग का मेन चीज़ है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होगा। एक राउंड जैसा इफेक्ट आ रहा है, फिर ये है जा रहे हैं और ये यहाँ से लाइंस निकल के आएगा, ठीक है। और ये वाली लाइन, इसका शेडो भी देख रहे हैं कि बन रहा है, तो शेडो का एक आउटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि हमें पता चले कि इसका शेडो कहाँ पे है। तो शुरुआत में हम इमेज रेफरेंस को लेके कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह का ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट लाइव ऑब्जेक्ट रखें और उसको ड्रॉ करें। ये रहा, ये ड्राइंग बन के पहला प्रोसेस इसका कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम लोग इसमें लाइट्स वगैरह को भी देख सकते हैं, लाइट्स एंड शेड्स को। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो शेडो पड़ा हुआ है, शेडो के भी लाइंस बने हुए हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट आपका इस तरफ से आ रहा है। सोर्स ऑफ लाइट जो है हमारा इस डायरेक्शन से है, जिसके वजह से ये इसका जो कास्ट शेडो पड़ा हुआ है ये इस तरफ में है ना। इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे आप, आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। और उसके बाद हम लोग में देखेंगे शेडिंग किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले कोई भी जब शेड करने का शुरुआत करेंगे तो शेडिंग के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो शुरुआत में हम ये पेंसिल को डाउन करके ही, स्लिप जैसा लगे कि वो लेटा हुआ पेंसिल पकड़ के होल्ड करके ही हम लोग शेडिंग करेंगे। तो पहले बिल्कुल हम लोग उसको लाइट शेड करेंगे। बिल्कुल लाइट करेंगे, पूरे में इसको लाइट फिल कर देंगे। देखिए हमने पहले इसमें लाइट फिल कर दिया है। अब चेक करेंगे इसमें सेकेंड टोन का। सेकेंड टोन में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थोड़ा डार्क है, ये वाला एरिया यहाँ पे हमको लाइट दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग फेड करना शुरू करेंगे, लेकिन पेंसिल होल्ड वैसे ही करेंगे उन्हें पहले बताया है। आप उसी तरीके से होल्ड करेंगे इसको और बिल्कुल उसमें फेडिंग करेंगे। उससे के सेकेंड टोन को पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, के बाद और उससे ज़्यादा अगर डार्क की ज़रूरत होगी तो हम लोग डार्क भी यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी फर्स्ट टोन करा है हमने, और फर्स्ट टोन के बाद जो तो सेकेंड टोन का है, और हाईलाइट्स को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। बाद में इरेजर का यूज कर सकते हैं वहाँ पे उसको और अच्छे से इम्पैक्ट दिखाने के लिए।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा डार्कर शेड है, इस तरीके से आएगा और यहाँ पे और डार्क है, तो इसको बाद में हम करें। पहले हम लोग सेकेंड टोन का जो भी प्रोसेस है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद इन डार्कर शेडिंग में जाएंगे। बहुत ज़्यादा बेसिक ही हम लोग भी कर रहे, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है इसमें अभी, और जब धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव करेगी आप और ज़्यादा डिटेल उसको देखने भी लगेंगे और शेड लाइट को समझने भी लगेंगे। जब आप समझना शुरू करेंगे ज़्यादा शेड लाइट को अच्छे से, तो और इम्प्रूवमेंट आपको खुद ब खुद समझ में आने लगे। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, मेन चीज़ है इसमें प्रैक्टिस का। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा लाइंस आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे और काम आपका ज़्यादा इम्प्रूव होगा। पेंसिल अभी भी काफ़ी पीछे पकड़ी हुई है मैंने, और पेंसिल जब डिटेल करेंगे तो थोड़ा सा पहले आगे पकड़ के पेंसिल को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम उसको पीछे ही होल्ड करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसमें शेड ज़्यादा है, केवल तो ऊपर की ओर हाईलाइट है, तो पीछे वाले में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइट है, कुछ ज़्यादा शेड नहीं है। यहाँ पे उसमें शेडिंग दिख रहा है, और ये जो इसका डंडी है उसका शेड पड़ा हुआ है, तो एक बार में उसको डार्क ना कर देंगे, पहले हम उसको फिल करेंगे। वो पहले में ही करना था, पहले मैं इसको अब धीरे से फर्स्ट टोन लगाएंगे, बाद में जैसे जैसे जब भी प्रोसेस बढ़ेगा उसी के साथ साथ उसको भी करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसको पहले बिल्कुल लाइट टोन में लेके जाते हैं, पहला टोन का प्रोसेस में भरते हैं, फिल करते हैं, ये हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड टोन का ये लगा हुआ, सेकेंड टोन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग लाइन में, ऐसे ये छोड़ रहे हैं, हमने ट्राई कर दिया और इस लाइन को हमने होल्ड रखा है। देखिए यहाँ पे इसकी ड्राइंग इस तरीके से है, अब इसको कास्ट शेडो पे ध्यान देते हैं, इसको भी शेड कर लेते हैं फर्स्ट टोन में, बाद में इस में एक बार में डार्क नहीं करेंगे, एक बार में डार्क करने के बाद आपका काम अच्छा नहीं होता है, पेपर खराब होता है, और बिल्कुल आप पहले प्रोसेस से ही करेंगे, पहले फर्स्ट टोन देन सेकंड टोन, के बाद जरूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ वहाँ पे हम थर्ड टोन का यूज करेंगे। तो ये सेकंड टोन हमारा कंप्लीट हो गया है, अब देखते हैं कहाँ पे थर्ड टोन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टोन चाहिए हमें, यहाँ से जाएगा ऐसे, ये मर्ज होना चाहिए दूसरे में, ऐसा नहीं कि वहाँ पे एक जैसे लगे कि
आपने करके छोड़ दिया है, इसमें ला के हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे है थोड़ा सा कर दिया, अब हम लोग यहाँ पे देखें मैं हमको ये वाले एरिया में ज्यादा नहीं है, यहाँ पे है ऐसा, और इसमें एरिया में देखेंगे बिल्कुल ऐसे करेंगे, और इमेज रेफरेंस के साथ साथ मैं ये जब ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी ड्राइंग का इमेज आपको भेज दूंगा, तो आप सभी इससे प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाद में कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें पूछ सकते हैं। पेंसिल को पीछे ही पकड़ेंगे, इसका मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सामने पकड़ेंगे वो हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप चलाएंगे, पेंसिल पकड़ के पीछे से काफी अच्छे से काम होता है। जब ज्यादा माइनर डिटेल करना होता है, ज्यादा डिटेलिंग में जब हम जाते हैं उस तरीके का जहाँ पे जरूरत होता है, वहाँ पे पेंसिल को हम लोग आगे होल्ड करते हैं, नहीं तो आप पीछे से ही शेड वगैरह करेंगे तो अच्छे से शेड वगैरह आएगा। देखिए ये थोड़ा सा अब हम डार्क एरिया को बढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा पेंसिल को हम लोग आगे पकड़ेंगे। इसके बेस में ही ज्यादा डार्क होगा, बाहर जब निकलेगा ना ये बिल्कुल इसके साथ मर्ज करते हुए चलेंगे, इसके साथ आप मिला देंगे। जब शेडो दूर जाएगा तो यहाँ पे लाइट ही होगा, उसको ज्यादा हम लोग डार्क नहीं करेंगे। यहाँ कास जो इसका शेडो पड़ा हुआ है, शेडो को देखेंगे। अब इसमें थोड़ा हम लोग थोड़ा कहीं कहीं पे डिटेल कर देते हैं, यहाँ पे ये काम में समझ में आए, और लाइंस ये कर रहे हैं तो देखना है आपको कि ये लाइंस मैं नहीं कर रहा हूँ, कि पूरे लाइंस को फिर से मिला नहीं रहा हूँ। जहाँ जहाँ डार्क है उस एरिया पे काम हो रहा है, तो वहीं पे डिटेल किया जा रहा है, और ये एरिया देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डार्क है, यहाँ पे बिट शेडो
जाएगा। आप जितना देखेंगे, आप शुरू में ही डार्क कर देंगे तो कहाँ पे लाइट है क्या है, दिक्कत हो जाएगा। लाइट रहेगा तो आपके पास पॉसिबिलिटी है कि उसको हम ठीक कर सकते हैं, और शुरू में ही अगर आपने डार्क कर दिया तो पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी कि किस तरीके से हमको आगे हम कर सकते हैं। बारी आती है कि थर्ड टोन हमारा चल रहा है, तो जो फाइनल प्रोसेस में ही है वो जो है पॉइंट को केवल एरिया में, यहाँ पे कट लाइट देख रहे हैं, डायरेक्ट कट लाइट, शार्प लाइन है ये वाली लाइन, इस तरफ हो तो शार्प कर लेंगे। लाइन है ये, पेंसिल को ठीक से पॉइंट बना लेंगे सैंड पेपर की मदद से, सैंड पेपर की मदद से आप बना सकते हैं। बीच में जब भी जरूरत हो, लगे कि आपकी पेंसिल उतनी बढ़िया से चल नहीं रही है, अच्छे से रेंडर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको शार्प कर लें या उसको फाइन कर लें। नुकीला बनाना जरूरी है, पॉइंट उससे शेडिंग करने में पेपर के ग्रेन्स में काफ़ी अच्छे से फिल हो पाता है। इसमें कर दिया, अब
इसके डिटेल की तरफ देखेंगे, जहाँ जहाँ पे थोड़ा थोड़ा शेड पड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग ट्रीट करेंगे, शेड डालेंगे। है ना, ये हो गया है। यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट हेड बना, हर एक चीज को ध्यान में रखेंगे, जितना ध्यान में रखेंगे उतनी जल्दी ये ड्राइंग इम्प्रूव करेगी, उतना ज़्यादा जल्दी आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है हमारा एरिया, यहाँ पे रफ लाइंस वगैरह हैं, उसको आप इरेज कर लेंगे, पहले भी इरेज कर सकते हैं फाइनल करने के पहले, और जहाँ जहाँ हाईलाइट्स हैं आप इरेजर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक हाईलाइट्स है और ये एरिया भी हाईलाइटेड है, ये हाईलाइट हैं, हाईलाइट्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे हाईलाइट आपको दिख रहा है, जैसे ये कट लाइट है तो यहाँ पे कट लाइट चाहिए, ये लाइट। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और इमेज रेफरेंस के साथ साथ ये ड्राइंग का भी इमेज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसे देख के आप ज़्यादा देख पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मिलेंगे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट ही सीखना है हमें। ऑब्जेक्ट जितना बनाएंगे आप उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। पहले ज़रूरी नहीं कि लाइन्स करें, आप 8-10 ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें के बाद प्रयास करें शेडिंग करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।